क्या करूँ। हरी भरी घास, ये देखो भाई, पहुंच चुके हैं हम वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे। नथिंग नाना पास रुकी मत बोलो, अच्छा अपन तो बाची का तो रुकूं मैं फिर वहीं पर। चंडीगढ़ 611 उपसी यार, चल शाम को होली मेले तो भाई आगे तबीयत थोड़ी ख़राब है, रुकने का यहाँ पे मना करा सब लोगों ने कि भाई रुकना मत, जल्दी से फोटो क्लिक करना और निकल लेना यहाँ से, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, तो निकलते हैं पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। तो भाई अभी हम थे 17,000 फुट पे, पीछे स्टे करी थी वहाँ पे था 15,000, अभी 17,000 आ गया। और यूँ देखो 17,000 से ऊपर से बॉर्डर रोड और गया ओ तेरी इधर रुकेंगे पंजाबी डब्बा वो बोल रहे थे ना लेक से आई। ये देखो भाई पहाड़ों की बेड़े कितनी क्यूट क्यूट सी लग रही है, आगे चलियो। वाव ये देख, वाव मस्त लग रही है। तो भाई ले रह गए अपने से नियर अबाउट 80 किलोमीटर ही है, नियर अबाउट 80 किलोमीटर। तो बीच में हम रास्ते में रुक गए थे आर्मी कैंप, तो कैंप में वैसे भी कैमरा अलाउड नहीं है तो आपको दिखा नहीं सकते थे, तो वहाँ से हमने 2-3 मेडिसिन ली है, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगवाया था 10 मिनट के लिए, बाकी बड़े ही अच्छे हेल्पफुल थे बंदे। तो आपको भी कभी दिक्कत हो तो आप भी ना आर्मी कैंप में जा सकते हो, वो हेल्पफुल होते हैं बंदे, बट ये कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं होती। बाकी आपको चेक कराते हैं यहाँ का व्यू, भाई रेतीले ऐसे लग रहा है, भूर भूरे से पहाड़ है। ये अपनी शिफ्ट, एक गड्डी अपनी पीछे आ रही है, और ये चेक करो आप लोकेशन, पहुंच चुके हैं गया लद्दाख का एक छोटा सा पिंड। ये चेक करो इसकी खूबसूरती भाई, घोड़े हरी भरी घास, ये देखो भाई क्या अल्टीमेट बना रखा है। गाँव गाँव भी बड़े मस्त लगते हैं, आगे अच्छे लगते हैं। ये देखो नॉर्मल सी घर है बट सुंदर लग रहे हैं। ये सामने वाला देखो कितना शानदार लग रहा है। ये चेक करो गाइस सामने का व्यू, बड़ा ही अल्टीमेट दिख रहा भाई। फिर तू कहां से लाया गोया? वहीं से लेके आए थे। रेड रेड कलर के पहाड़ दिख रहे हैं।
स्तंभ बना हुआ है, ये इनका ना प्रतीक होता है शांति का, मेजोरिटी का, एंड ये दिखा कि 300 किलोमीटर के बाद आप देखिए हमने पौधे, ये देखो भाई लद्दाख में 300-350 किलोमीटर चल लिए हम, अब जाके हमें पौधे दिखे हैं यहाँ पे, ग्रीनरी दिखी है, ये चेक करो आप। और ना यार सरदार की गाड़ी धो देते उसके नीचे लगा के यार। तो गाइस हमें एक अल्टीमेट लोकेशन मिली भाई, आज तीसरा दिन है हमारा लद्दाख के पहाड़ी देख देख के, पथरीले मिट्टी आड़े, साला एक पेड़ नसीब नहीं हुआ हमें। तो लास्ट में आके हमें एक विलेज में पेड़ पौधे भी दिखे, और साथ में देखो रिवर जा रही है, एक अच्छी लोकेशन दिखी। तो हमने यहीं पे अपना पास्ता पूस्ता खाने वाने का सामान सेट करा, बाकी आपको लोकेशन दिखाते हैं एक बार चेक करना आप। ये देखो ये जा रही है नदी पास में ही, और ये व्यू चेक करो, ये देखो ये अपने सचिन भाई, अरविंद भाई और पाजी लगे हुए पास्ता बनाने के लिए, बाकी शूज वगैरह सब वॉश कर दिया यहाँ पे, कपड़े कपड़े रेडी होने के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए। और ये देखो कितना क्लीन पानी है, एकदम क्लीन। सूखे पेड़ पौधे, सूखे पहाड़ देख के हालत ख़राब हो गई थी हमारी, अभी थोड़ा सुकून मिला है। यहाँ पे -3 डिग्री टेम्परेचर है, लग रहा है, लग नहीं रहा बट हमें भी नहीं लग रहा, मैं तो टी शर्ट में घूम रहा हूँ। ये देखो बाकी अपने धूप करके नहीं लग रहा, हाँ धूप करके नहीं लग रहा भाई। और यहाँ पे सूरज की रोशनी मेरे नज़दीक पड़ती है, जल्दी पड़ती है मतलब, बाकी अपने पाजी लगे हुए हैं पास्ता बनाने के लिए। हाँ जल्दी जल्दी जो जो भाई फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, लाइक बढ़ रही है। अरविंद मास्टर लगा हुआ है, छोड़ भाई का जॉकी को सब, ये चेक करो बाकी आप इनको रहने दो, ये लोकेशन चेक करो आप, देखो क्या लग रही है यहाँ। पाजी हो गए तैयार पास्ता बनाने के लिए, अभी लग रहा है तड़का, ये देखो भाई लग रहा है तड़का। हाँ हाँ पानी देखो कितना साफ है इधर, ये इधर वाला तो फिर भी ऐसी मिट्टी दिख रही है, इधर वाला बड़ा क्लीन पानी। अरे मिट्टी नहीं और रेता है, रेते को ही मिट्टी बोलते हैं पाजी हम। तो पाजी इधर खिड़की खाते हैं, देखो मैं बनाता हूँ। तो हाँ जी कैसे हो, आज अपन ने बनाया पास्ता, पास्ता बड़ा सोना बना भाई, क्या रहता है। और आप वेदर चेक करो यहाँ का, व्यू चेक करो, मजा आ गया। हमारी गड्डी वहाँ खड़ी है, ठीक है। और पाजी अपने ओके रिपोर्ट हो गया, क्लोल चल रही है बिल्कुल पास, मजा आ गया। पास्ता भाई बन गया, एक मिनट फटी भाई, मजा आ गया फुल। ये हमारे पाजी हैं, इन्हें देख लो बस, पास्ता स्पेशलिस्ट, पास्ता स्पेशलिस्ट। ये इस बंदे का गोप्रो है, मेरा नहीं है, मेरा भी नहीं है, फिर किसका है। अच्छा दीपक मास्टर का भाई, पास्ता करो चेक, एक मिनट खाली पास्ता का बॉक्स खोलो फिर बोलना। हो गया अपना पास्ता रेडी, और ये चेक करो भाई लोकेशन, ये लोकेशन हो और ये पास्ता हो साथ में। अपने के लिए दो पैकेट बहुत थे, पास्ता बना एक नंबर, भाजी ने क्या पास्ता खिलाया भाई, मजा आ गया भाजी। हाथ तक कराती आप, सात जन ने तो पूरी प्लेट खाली कर दी, देखो भाई खाने का सबसे ज्यादा सात जन ही है अपना, सबसे ज्यादा बंदा यही खाता है, बाकी दो चम्मच यार तो खा ले, ना ना बस आप ही खाओ, सबसे ज्यादा करता है, खाता कुछ नहीं है, खाता कुछ नहीं है। तो भाई अभी यहाँ से निकलेंगे बस, और मिलते हैं आपको पेंगोन लेक, पेंगोन लेक पे मिलते हैं आपको, ठीक है जी।